हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन पर आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डबल इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे, आज उसका लास्ट लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए ये लास्ट लेक्चर सॉल्व करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो है स्टॉक्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द एक्स वाई प्लेन फॉर क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई अराउंड द बाउंड्री सी ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इजकल्स टू एट एक्स एंड एक्स इजकल्स टू टू। यहाँ पर हमको देखना है कर्व जो है पैराबोला है और ये एक्स इजकल्स टू 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 क्या है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन है, दोनों है, कर्व दोनों दिया हुआ है। तो इस का हमको वेरिफिकेशन करना है और प्रूव करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं तो वो जानते ही हैं। पहले तो हम ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार निकालेंगे, उसके बाद लाइन इंटीग्रल के द्वारा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम देखना पड़ेगा इसका क्या क्या है, कर्व क्या है, पर कर्व के बारे में पहले सॉल्व करेंगे जो लिमिट हमको देगा। तो द रीजन इज लिखेंगे, द रीजन मेन रीजन ही समझना रहता है, द रीजन इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन एक्स इजकल्स टू टू, स्ट्रेट लाइन एक्स इजकल्स टू टू एंड द पैराबोला वाई इजकल्स टू एट एक्स, ये दोनों दिया हुआ है। हेंस The point of intersection between a straight line and parabola is zero zero origin से लेकर के एंड क्या हो जाएगा माइनस फोर टू प्लस फोर हो जाएगा। क्यों? इसलिए अगर यहाँ हम देते हैं एक्स इज वाई स्क्वायर इज टू एट एट इंटू टू देते हैं तो 16 होता है, तो y का क्या वैल्यू आएगा प्लस फोर एंड माइनस फोर, दो वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू स्क्वायर रूट निकालेंगे तो माइनस फोर और प्लस फोर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हेयर m इजकल्स टू क्या दिया हुआ है, हेयर m इजकल्स m डी एक्स, m इजकल्स टू है एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड कैपिटल एन इजकल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री, दोनों ये दिया हुआ, तो देयर फोर डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसको एन को एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स वाई, और थ्री तो जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है,
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे, उसके बाद डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल एक्स तो टू एक्स हो गया इसका, तो टू एक्स वाई हो गया इसका जीरो हो गया, एंड डेल एम बाय डेल वाई ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट है तो टू वाई हो जाएगा उसका, टू एक्स वाई माइनस और ये हो जाएगा टू एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेल वाई बाई डेल वाई वन हो गया तो माइनस टू एक्स हो गया, क्लियर है। अब एंड वाई वेरीज फ्रॉम फ्रॉम माइनस फोर टू प्लस फोर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स वेरी करेगा हमारा एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एट, एक्स इजकल्स टू वाई स्क्वायर बाई एट एंड टू वाई स्क्वायर बाई एट एंड टू यही वेरी करेगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम क्या है, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई यही हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मूला यही होता है, यही हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन कन्वर्ट करता है रीजन आर में तो ये हो जाएगा डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, क्लियर है। अब इसी में हम डेल एन बाय डेल एक्स क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस फोर टू प्लस फोर एंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एट टू टू और ये टू एक्स वाई डेल एन बाई डेल एक्स टू एक्स वाई है और डेल एम बाई डेल एन क्या है टू एक्स वाई माइनस टू एक्स डी एक्स डी वाई, क्लियर है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में हम करेंगे, यही आ जाएगा हमारा क्या आएगा 2xy इन दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस फोर टू प्लस फोर और यहाँ था वाई स्क्वायर बाय एट लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है 2 है तो 2xy माइनस 2xy माइनस टू एक्स था माइनस माइनस प्लस टू एक्स यही हो गया डी एक्स डी वाई ये टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखना है माइनस फोर टू प्लस फोर यहाँ देखना है क्या है वाई है लिमिट में वाई है तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये हो गया इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू टू अपर लिमिट टू और यहाँ हो जाएगा टू एक्स यानी टू एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेट डी एक्स के रिस्पेक्ट में नॉट डी वाई डी एक्स सॉरी डी एक्स क्योंकि
यहाँ है वाई है हमारा क्या है लिमिट में है, तो वाई कांस्टेंट करेंगे तो एक्स वेरिएबल हो जाएगा केवल, डी वाई बाहर कर लीजिए, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेट होगा क्या, इंटीग्रेशन माइनस फोर टू प्लस फोर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका टू बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लेते, एक्स पावर वन है तो वन प्लस वन, टू बाय वन प्लस वन टू हो गया, ये वाई स्क्वायर बाय एट और टू डी वाई बाहर में रहेगा, क्लियर है। अब यही टू और टू कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी माइनस फोर टू प्लस फोर, और ये हो जाएगा अपर लिमिट कितना है टू का स्क्वायर, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट टू का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वायर बाई एट का होल स्क्वायर डी वाई, क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको ये अपर लिमिट के टू बाहर, ये टू टू कैंसिल हो गया, अब यहाँ जीरो, अगर इसको जीरो कर देते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के अनुसार टू लिखना पड़ेगा, इसको जीरो करेंगे तो माइनस है, यहाँ माइनस को हटा देते हैं, जीरो कर लेते हैं टू, अब इसका ये हो जाएगा टू बाहर कर लेते हैं, आज सबका ये हो गया फोर माइनस वाई पर पावर कितना फोर बाय एट, एट जा सिक्सटी फोर, ये आ गया डी वाई, क्लियर है। अब यही चीज़ को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू टू, आइए इसको अलग फोर करके अलग, फोर जीरो डी वाई माइनस वन बाय सिक्सटी फोर, और ये हो गया जीरो टू फोर, और ये हो गया वाई टू द पावर फोर डी वाई, अलग अलग कर दिया, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, टू बाहर रहने दीजिए, ये हो गया फोर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई जीरो टू फोर माइनस वन बाय सिक्सटी फोर, ये होगा इंटीग्रेशन y टू द पावर फाइव फोर वन फाइव बाय फाइव जीरो टू फोर, क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू टू बाहर कर लेते हैं, टू है ही बाहर सबका है कॉमन, तो ये हो गया फोर, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर फोर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा फोर माइनस जीरो माइनस वन बाय सिक्सटी फोर, और ये हो जाएगा वन बाई सिक्सटी फोर इंटू ये फाइव रहन इंटू फाइव रहने दीजिए, ये हो गया फोर वाई पर पावर फाइव है तो यानी फोर टू द पावर फाइव माइनस जीरो, फोर टू द पावर फाइव माइनस जीरो, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ये दोनों में फोर, दिस इज इक्वल्स टू फोर इंटू फोर टू द पावर टू माइनस वन बाय, ये हो गया फोर फोर जाए सिक्सटीन फोर जाए फोर पर पावर थ्री इंटू फाइव, ये हो जाएगा फोर टू द पावर फाइव, यही हुआ। अब फोर टू द पावर टू निकाल लेते हैं बाहर, क्या बचा, टू इंटू फोर टू द पावर टू बाहर कर लिए तो क्या बचा, ये वन माइनस, ये हो जाएगा टू निकल गया तो थ्री, फोर टू द पावर थ्री बाय फोर टू द पावर थ्री इंटू फाइव, क्लियर है। अब ये कट गया, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू इंटू वन माइनस वन बाय फाइव, दिस इज इक्वल टू थर्टी टू इंटू फाइव माइनस वन बाय फोर बाय फाइव, फाइव एलसीएम लेंगे तो फाइव माइनस वन बाय फाइव हो जाएगा ये
क्लियर है। तो ये हो गया 32 इंटू 4/5, ये हो गया 4, 5 माइनस 1 4/5, दिस इज इक्वल्स टू 4 × 2 = 8, 125/5, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, क्योंकि वेरीफाई करना है, इतना ही आंसर लाना है हमको वेरीफिकेशन में, क्लियर है ना। वेरीफिकेशन में इतना ही आ जाएगा था हमारा, हैंस वेरीफाइड हो जाएगा ग्रीन्स थ्योरम। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ने से पहले तो इसको हमको फिगर बनाना पड़ेगा। ये फिगर इसका होगा एक्स एक्स वाई एक्सिस, पहले ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर है। ये ओरिजिन हो गया, वो यहाँ इसका क्या होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट है। ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोलिक कर्व जो होगा, पैराबोलिक कर्व इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना पर कर रहा था, -4 से 4 तक। आइए एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2, आइए है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, क्लियर। ये हो गया C1 कर लीजिए, इसको कर देते हैं C2, क्लियर है। यही फिगर है C1 और C2, कर्व 1 कर्व 2, कर्व 1 ये हो गया C1, कर्व 2 हो गया C2, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर है। ये एट द पॉइंट ए भी कर सकते हैं, यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर -2xy dx +x y + x² y + 3 dy इज इक्वल्स टू, इसको टू पार्ट में बांटा गया है, टू पार्ट में बांट दिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन C1 प्लस इंटीग्रेशन C2, लाइन इंटीग्रल C1 एंड लाइन इंटीग्रल C2 लिखेंगे। फॉर द लाइन इंटीग्रल अलोंग C1, फॉर the line integral along C1, we have x is equal to क्या हो जाएगा, y² / 8, या पहले लिखेंगे वी हैव y² = 8x और x = y² 8। अब इसको y² = 8x को हम x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy² / dy (dy/dx = 8 dx/dx,
क्लियर है, ये हो जाएगा टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इसका टू एट, और टू वाई डी वाई इसका टू एट डी एक्स, एट यहाँ कर लीजिए, टू वाई बाई एट इसका टू डी एक्स हो जाएगा। देयर फोर डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा, वाई बाय फोर डी वाई। क्लियर है, डी एक्स निकल गया हमारा, एंड वाई वेरीज फ्रॉम, एंड एक्स का वैल्यू है तो वाई वेरी करेगा, एंड वाई वेरीज फ्रॉम फोर टू माइनस फोर। क्लियर है, अब वाई वेरी वही करेगा, फोर टू माइनस फोर, फोर टू माइनस फोर। क्लियर है, अब इसका देयरफॉर इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई इज इक्वल्स टू, अब इसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर लिखते हैं, यहाँ छोटा पड़ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी वन वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाय एट इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर बाय एट इंटू वाई, ये टू वन जा टू, टू फोर जा एट कट जाएगा, और यहाँ क्या है, डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, वाई बाय फोर डी वाई प्लस इसका क्या हो जाएगा, वा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर बाय एट का होल स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई है प्लस थ्री, ये डी वाई है ही। क्लियर है, अब दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फोर टू माइनस फोर, ये हो जाएगा वाई वाई टू द पावर फोर बाय एट, आइए वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय फोर इंटू वाई बाय फोर डी वाई। क्लियर है, प्लस ये हो जाएगा वाई फोर वाई टू द पावर फोर इंटू वाई बाय 64, एट एट 64 प्लस थ्री डी वाई। अब दिस इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई करके डी वाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया माइनस फोर, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ जीरो कर देते हैं, पूरा पूरा का, और ये हो गया y टू द पावर फाइव एट फोर जा 32 माइनस y टू द पावर फोर 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 जा 16 प्लस y टू द पावर फाइव बाय 64 प्लस थ्री, इसको कर दीजिए dy कॉमन। क्लियर है, अब ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू वाई फाइव, वाई फाइव दोनों एक ही है तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू तो ये बाहर है, और ये हो गया जीरो टू फोर, ये हो गया
टू वाई टू दी पावर फाइव प्लस वाई टू दी पावर फाइव बाय 64, दोनों में 64, ये दोनों में 64 एलसीएम लिए, 32 टू जा 64, टू वाई फाइव इतना आ गया, ये माइनस, ये इसको कर दीजिए इस तरह से, माइनस वाई टू दी पावर फोर बाय 16 प्लस 3 डी वाई। अब इसी को अलग अलग करके निकल सकता है, ये निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी ये हो गया, दिस इज कस टू, टू तो है ही बाहर में, इंटीग्रेशन 3/64 इंटीग्रेशन 4 to 0 वाई टू द पावर 5 डी वाई, क्लियर है, माइनस ये हो गया 1/16 इंटीग्रेशन y टू द पावर 4 डी वाई प्लस ये 4 to 16 अब प्लस 3 डी वाई इंटीग्रेशन 4 to 16 इस तरह से आ गया। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 to 6/64 ये हो गया y टू द पावर 6/6 इंटीग्रेशन, और ये 4 to 0 माइनस 2/16 ये 2 से मल्टीप्लाई अगर 2/16 है, ये हो गया वाई टू द पावर 5/5 4 to 0 प्लस 3 to 6 ये हो गया वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई 4 to 0 क्लियर है, इतना आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज में दिस इज कल्स टू क्या आया था 6/16 64 आया था वाई टू द पावर 6/6 4 to 0 माइनस 2/16 ये था वाई टू द पावर 5/5 4 to 0 अब प्लस 6 3 to 6 हुआ था वाई 0 to 4 अब इस ये सिक्स कैंसिल ये हो गया 2 8 जा यही हो गया दिस इज कस टू 1/64 और ये हो गया 0 अपर लिमिट 0 माइनस 4 to the power 6 ये हो गया माइनस 1/40 8/5 = 40 और ये हो गया 0 माइनस 4 to the power 5 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 4 यही आया कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस 4 to the power 6 तो यानी 4 to the power 6 4 इंटू 4 कीजिए 4 × 4 6 टाइम्स बाय 64 4 × 4 = 16 4 = 64 ये कट गया या माइनस 1/40 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 4 5 टाइम्स 5 टाइम्स लिखा गया और ये माइनस 24 ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 × 4 = 16 4 = 64 माइनस 64 और ये माइनस 24 और ये प्लस क्या हो जाएगा ये कटेगा 4 × 1 = 4 = 4 10 + 5 × 2 = 2 + 4 × 4 = 16 4 = 64 + 2 = क्या हो जाएगा 128/5 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 88 प्लस 128/5 क्लियर है, इतना आया।
अब आते हैं नेक्स्ट सी टू, लिखेंगे फॉर द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल along the curve C2 we have क्या हो जाएगा, x is equals to 2, therefore dx is equals to क्या हो जाएगा 0, and y varies from, यहाँ भी y ही वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम माइनस फोर टू प्लस फोर। क्लियर है, वो था फोर टू माइनस फोर, ये उल्टा करेगा, देयर फोर इंटीग्रेशन कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी टू एक्स का जगह पर टू वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जगह पर एक्स स्क्वायर यहाँ वाई है, और एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई ठीक है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री, ठीक है एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या देंगे, एक्स एक्स का वैल्यू टू है, तो टू वाई स्क्वायर, ये डी एक्स तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, डी एक्स जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ केवल ये पुट होगा, तो एक्स स्क्वायर कर दें टू का स्क्वायर इंटू वाई प्लस थ्री डी वाई, इतना ही पुट होगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस फोर टू प्लस फोर यानी फोर वाई प्लस थ्री डी वाई। अब इसको क्या करेंगे, इसको जीरो कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन जीरो टू फोर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा फोर वाई प्लस थ्री डी वाई इज इक्वल्स टू, इसी को अलग अलग करते हैं, फोर टू जा एट एट जीरो टू फोर वाई डी वाई प्लस थ्री टू जा सिक्स जीरो टू फोर जीरो टू फोर डी वाई। क्लियर है, अब यही आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एट वाई स्क्वायर बाई टू जीरो टू फोर प्लस सिक्स वाई जीरो टू फोर, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये टू फोर जा फोर इंटू फोर का स्क्वायर माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस सिक्स सिक्स फोर माइनस जीरो, ये हो गया फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर अब प्लस प्लस क्या हो गया सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर कितना हो गया एटी एट। लिखेंगे देयर फोर देयर फोर इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एक्स वाई स्क्वायर
माइनस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री डी वाई इज इक्वल्स टू सी वन प्लस इंटीग्रेशन सी टू। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 88 प्लस 128 बाय फाइव, इसका था सी वन का, इसका क्या है प्लस 88, ये कट गया, ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, दिस इज इक्वल्स टू 128 बाय फाइव। इक्वेशन टू लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इट फॉलोज डैट दैट इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 128 बाय फाइव। हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये हो गया आंसर। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी 2007 में आया हुआ है 12 क्वेश्चन। इफ सी इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इन द एक्स वाई प्लेन नॉट इनक्लोजिंग द ओरिजिन सो डैट इंटीग्रेशन सी एफ डी आर इज इक्वल्स टू जीरो वेयर एफ इज इक्वल्स टू वाई आई यूनिट वेक्टर माइनस एक्स जे यूनिट वेक्टर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखेंगे इन एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, यही पोजिशन वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन में। देयरफोर डी आर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर। क्लियर है। देयरफोर इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी वाई आई वेक्टर माइनस एक्स जे वेक्टर यूनिट वेक्टर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू वाई आई डॉट आई वन हो जाएगा, यानी वाई इंटीग्रेशन सी वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स डी वाई जे डॉट जे वन हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू यही आ जाएगा, यही दिस इज इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन सी वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डी एक्स माइनस ये हो जाएगा, प्लस कर दीजिए यहाँ माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हेयर हेयर एम इजकल्स टू, एम इजकल्स टू क्या आ जाएगा वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एन इजकल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब ये इसका देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर डेल एन बाय डेल एक्स, देयरफॉर डेल एन बाय डेल एक्स क्या था हमारा एन, एन मेरा है माइनस एक्स, एन क्या है एन इजकल्स टू माइनस एक्स, माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एम इजकल्स टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डेल एन बाय एम डी एक्स, एम डी एक्स तो एम को वाई के रिस्पेक्ट में एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा यू बाय वी के फॉर्म में, यू बाय वी के फॉर्म में है तो भी भी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन और ये हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस, माइनस अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट एक्स यू को कांस्टेंट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे भी को तो हो जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। यू बाय वी का फॉर्मूला होता है ना डी यू बाय वी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा वी कांस्टेंट करेंगे डी यू बाय डी एक्स माइनस फिर यू कांस्टेंट डी वी बाय डी एक्स बाय वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, यही फार्मूला पर हम पुट किए हैं यू बाई वी के फॉर्म में तो यू को वी को कांस्टेंट किए यू का डिफरेंस के एक्स का डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो गया माइनस फिर यू को कांस्टेंट करेंगे वी का डिफरेंस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया टू एक्स, इतना हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइए माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यही चीज़ आ जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टू एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आया हमारा डेल एन बाय डेल एक्स एंड डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा डेल एम बाय डेल वाई। तो अब यहाँ है माइनस तो है नहीं तो भी को कांस्टेंट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट किया और डेल वाई बाय डेल वाई हो जाएगा वन इंटू वन माइनस फिर वाई को कांस्टेंट करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा था यहाँ हो जाएगा टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज कस्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतने आया डेल इनवर्स अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम लिखते हैं अब, अकॉर्डिंग टू देयरफॉर अकॉर्डिंग टू टू ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन एस ही रहने दें डेल एन कितना हो गया डेल एन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस जीरो इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर लिख देते हैं अब देयरफॉर इंटीग्रेशन डबल नहीं देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ डी आर इज इक्वल्स टू जीरो हेंस पुट, क्लियर है। अब छोटा सा क्वेश्चन है एक, उसको बना देते हैं, ज़्यादा देर नहीं है लगेगा, दो चार पाँच मिनट में बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, ये भी इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, इसको ना इसको ऐसे ही रहने दें, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और नेक्स्ट पेज में इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू रहता है एम डी एक्स है, तो इन इन एक्स एक्सिस एम का वैल्यू क्या हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू वाई एंड एन डी वाई, तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो, एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू रहता है एक्स एक्सिस पर वैल्यू हो जाता है वाई डी एक्स एम डी एक्स है तो वाई का एम का वैल्यू वाई और एन डी वाई है तो इसका जीरो हो जाएगा, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू वन एंड डेल एन बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट क्या आ जाएगा, डेल एन बाय डेल एन, तो दिस इज इक्वल्स टू एम डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स, क्या हो गया एम वाई डी एक्स, वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल एम बाय डेल एन, यानी इंटीग्रेशन आर, अब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स डी वाई, वन माइनस जीरो तो वन केवल रहेगा, यानी हो गया ये जीरो माइनस वन, यानी जीरो माइनस वन डी एक्स डी वाई, यानी क्या आ जाएगा ये प्लस अगर रखते हैं तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आर डी एक्स डी वाई इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हो गया इक्वेशन टू, एरिया हो गया माइनस ए, और ये हो जाएगा एंड सिमिलरली, फिर लिखेंगे सिमिलरली इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो क्या आ जाएगा एक्स पर क्या आ जाएगा जीरो, एम इसका टू जीरो हो जाएगा एंड वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा एन का, एन इसका टू एक्स हो जाएगा, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इसका टू जीरो एंड डेल एन बाय डेल एक्स इसका टू वन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सी, और ये डेल एम बाय डेल एक्स तो ये जीरो एम डी एक्स, एम क्या वैल्यू है जीरो, तो खत्म एन डी वाई हो जाएगा, यानी एन के जगह पर एक्स डी वाई लिखाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर, और ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो डी एक्स डी वाई, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन आर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू ए। अब ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों ए है तो ये माइनस हो गया फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड इक्वेशन ये हो गया थर्ड, सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या होगा इससे, ए एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया सी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी वाई डी वाई, ए ही ये है ये माइनस वाई डी वाई यहीं पर हो जाएगा, देयरफॉर यानी ये हो जाएगा इसी को लिखते हैं देयरफॉर माइनस इंटीग्रेशन सी वाई डी एक्स इजकल्स टू ए, दोनों इसी को इक्वेशन सेकंड कर दीजिए यहाँ पर मत कीजिए, क्लियर है माइनस ए तो ये हो गया प्लस ए, दोनों ए टू और थ्री से ए इज कस टू कितना हो गया ये इतना हो गया, अब यही देयर फोर ए इज कस टू ये हो जाएगा दोनों को देयर फोर ए इज कस टू टू ए, दोनों को ऐड करेंगे तो टू ए इज कस टू इंटीग्रेशन सी एक्स डी वाई माइनस, अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, एडिंग करेंगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन एडिंग यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन, यहाँ नहीं यहाँ लिखें एडिंग इक्वेशन
टू एंड इक्वेशन थ्री, ये हो जाएगा दोनों वाई डी एक्स। देयरफोर ये ऐड करने पर दोनों को ऐड करेंगे टू और थ्री को, देयरफोर ए इजकल्स टू, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। यही हो गया प्रूफ्ड, फाइनल आंसर लिख दीजिए, प्रूफ करने नहीं था, यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टॉक्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।